हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस की। फ्रेंड्स, जो एक्टिव और पैसिव हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके टेट एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद जो एग्ज़ाम होना है, जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होना है आपको टीचर बनने के लिए, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किन किन टेंसेस का एक्टिव और पैसिव बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हम जैसे कि मैंने आपको टेंसेस में बताया था कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, तो उनमें हम परफेक्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट के हम एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन हम कभी भी परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस का एक्टिव और पैसिव कभी नहीं बनाते हैं। हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट, इन टेंसेस, इनका ही हम एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम एक्टिव और पैसिव कैसे बनाते हैं। उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मैं स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ टेंसेस का, मैं फिर से आपको एक टेंसेस का एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद हमारे पास आता है मेन वर्ब। और फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो फ्रेंड्स, एक्टिव और पैसिव में क्या होता है मेन, कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं वाई करके। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, तो उस एग्जांपल में होगा कि सीता ने खाना बनाया, ये हो गया उसका एक्टिव। अगर हम पैसिव की बात करें तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? खाना बनाया गया सीता के द्वारा। तो इस तरीके से हम एक्टिव और पैसिव करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर हम सबसे पहले बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि माता जी रोज सुबह खाना बनाती हैं। तो इसका हम कैसे बनाएंगे? मदर, अब ता है, ती है, लगा है, तो फिर हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमने आपको जब प्रेजेंट के टेंसेस पढ़ाए हैं, तो उसमें हमने बताया है कि हम ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाते हैं, मेन वर्ब में ही एस ई एस को जोड़ देते हैं। तो क्या होगा? मदर मेक्स फूड डेली इन द मॉर्निंग। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इसका जो सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसके टेंसेस का हम स्ट्रक्चर किस प्रकार से लेते हैं। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख के हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, वर्ब के साथ एस और ईएस जुड़ा रहता है। इसके बाद हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये बात हो गई हमारे एक्टिव की। अब
अगर हमें इसका पैसे बनाना होगा तो हम किस तरीके से बनाएंगे? पैसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को, हमने भी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस प्लस, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे इज एम आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस। यहाँ पे हम वर्ब की के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ना लगा के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज यहाँ पर करते हैं, उसके बाद प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरीके का हमारा जो है वो एक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये चीजें बहुत ही ज्यादा ध्यान से और धीरे धीरे समझ के पढ़ने वाली हैं। अब जैसे हमारे पास है कुछ ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो इसमें ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। राइट क्या हो गया? वर्ब, एस जुड़ा है, और लेटर क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? अ लेटर इज, अब अ लेटर है तो सिंगुलर होगा, तो क्या होगा? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम आगे आपको और कंटिन्यू करेंगे।